आज है 17 दिसंबर 2023, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देश भर में सड़क हादसों को कम करने के लिए स्टडी करेगा IIT इंदौर। देश की सड़कों का ऑडिट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर के प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT और NIT के छात्र सड़कों का ऑडिट करेंगे। इस प्रोग्राम में विद्यार्थियों को सड़क हादसों को कम करने पर काम करना होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर के सर्वोच्च इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को इस प्रोग्राम को लेकर स्टडी कराने की बात कही। 6 से 22 जनवरी तक जोड़े जाएंगे वोटर लिस्ट में नाम। एमपी में इस चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने नई वोटर लिस्ट का काम शुरू कर दिया है। 6 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक भोपाल के 2049 मतदान केंद्रों पर BLO बैठेंगे। इस दौरान वोटिंग लिस्ट में तमाम अपग्रेडेशन के काम होंगे। इंदौर में NRI समिट आज रविवार को। 40 देशों के 250 से ज्यादा इंदौरी बनेंगे हिस्सा। नगर निगम और इंदौर NRI फोरम ने आज रविवार को NRI समिट रखी। 40 देशों में बसे 250 से ज्यादा इंदौरी समिट का हिस्सा होंगे। आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। 2 सत्रों में होने वाली समिट में इस बात पर चर्चा होगी कि विदेश में बसे इंदौरी शहर के लिए क्या कर सकते हैं और इंदौर से उनकी क्या अपेक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर को। आज केंद्रों में बैठेंगे 2600 परीक्षार्थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2023 का आयोजन 17 दिसंबर को जिला मुख्यालय के 8 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। प्रथम सत्र प्रातः 10 से 12 बजे और द्वितीय सत्र दोपहर 2:15 से 4:15 बजे तक होगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की छात्राएं सीख रही आत्मरक्षा के गुर। 261 छात्राएं शामिल। शिवपुरी में पीएम श्री योजना के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय शिवपुरी की छात्राएं आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण ले रही हैं। इससे वे संकट काल में स्वयं की सुरक्षा कर सकेंगी। बता दें कि इस प्रशिक्षण के दौरान इन छात्राओं को ट्रेनर द्वारा आत्मरक्षा के गुर सिखाई जा रही हैं। लाडली बहनों को रोते देख भावुक हुए पूर्व सीएम शिवराज। आंखों से निकले आंसू। सीहोर के टाउन हॉल में विकसित भारत विकास यात्रा के कार्यक्रम में भाग ले रहे शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नगर आगमन था। शिवराज के स्वागत के लिए नगर के सेकड़ा खेड़ी चौराहे पर भारी जनसमूह इकट्ठा हो गया। जैसे ही शिवराज का काफिला सेकड़ा खेड़ी मार्ग पर आता दिखा, जनसमूह ने शिवराज के काफिले को रोक लिया। प्राधिकरण बना रहा 32 फ्लैट्स का सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स। देश के बड़े शहरों में निजी रियल एस्टेट कंपनीज ने अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए सर्वसुविधायुक्त फ्लैट्स के प्रोजेक्ट अमल में लाए। उसी तर्ज पर इंदौर विकास प्राधिकरण भी 32 फ्लैट्स का सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसमें रहने वाले बुजुर्गों को सभी तरह की चिकित्सकीय सुविधा, एम्बुलेंस, योग, ध्यान केंद्र, मनोरंजन, फिजियोथेरेपी से लेकर एक साथ भोजन कर सकें, ऐसी सामूहिक रसोई घर की सुविधा मिलेगी। राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार। 4% होनी है वृद्धि, बढ़कर होगा 46%। नए साल से पहले मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का इंतजार है। आदेश में देरी के चलते अब कर्मचारी पेंशनर्स में नाराजगी बढ़ने लगी। हालांकि नई सरकार के गठन और मोहन यादव के सीएम बनने के बाद संभावना है। जताई जा रही है कि कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ता वृद्धि के आदेश नए साल से पहले जारी किए जा सकते हैं। आज से शुरू होगा कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल। एमपी के श्योपुर में आज से 22 दिसंबर तक कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का प्रथम संस्करण आयोजित होगा। इसका शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन करेंगे। फेस्टिवल में रोमांचक गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम से शाम सजेगी। कूनो फेस्टिवल के लिए बड़े बाड़े में मौजूद चीतों को खुले जंगल में छोड़ने की जगह छोटे बाड़े में छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की कमान युवाओं के हाथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कमलनाथ की जगह अब जीतू पटवारी को सौंपी है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जारी लेटर में अब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को पद दे दिया गया।
कमलनाथ पर गिरेगा, जीतू बने प्रदेश अध्यक्ष। एमपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। उनकी जगह जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव में मिली हार के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। देशभर के दवा व्यापारियों ने संसद के सामने केंद्र सरकार को चेताया, 1 जनवरी से शुरू करेंगे आंदोलन। देशभर में दवा बिक्री पर बारीकी से नजर रखने वाली संस्था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहे इंदौर में अपनी 21वीं त्रैवार्षिक सभा का आयोजन किया। नेशनल फार्मेसी कमीशन राज्य से संबंध रखने वाली फार्मेसी पेशेवरों की ऑटोनॉमस डेमोक्रेटिक संस्था स्टेट फार्मेसी काउंसिल को खत्म किया जाएगा। रेबीज फ्री बनेगा भोपाल, कुत्तों को लगेगा टीका। भोपाल को रेबीज फ्री शहर बनाने की तैयारी जारी है। अब यहां हर शनिवार को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन मुफ्त किया जाएगा। जिले में करीब 1.25 लाख कुत्तों को रेबीज से बचाव के लिए टीके लगाने का लक्ष्य इस बार तय किया गया। आम जनता भी अपने डॉग्स और आवारा कुत्तों को रेबीज का टीका लगवाएगी। 43 अस्पतालों को बंद करने का आदेश, 28 का रजिस्ट्रेशन रद्द। ग्वालियर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की। नियमों का पालन न करने और प्रदूषण फैलाने पर अंचल के 43 अस्पतालों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। ये कार्रवाई बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज के इंतजाम न होने के चलते की गई। लगातार नोटिस देने के बाद भी मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के इंतजाम नहीं किए गए थे। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उज्जैन से होगा श्री गणेश, मुख्यमंत्री के स्वागत में सजा शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से यात्रा की शुरुआत करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल नगर में आ गए हैं। मुख्यमंत्री नगर में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल होंगे। ग्वालियर फिर गौरवान्वित, हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। हॉकी के लिए अपनी खास पहचान रखने वाला ग्वालियर शहर एक बार फिर से रोशन हुआ। ग्वालियर शहर के तानसेन नगर में रहने वाले भारतीय हॉकी टीम के मशहूर खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए शामिल किया गया। शिवेंद्र सिंह ने ग्वालियर में रहकर ही हॉकी खेलना सीखा और शिवेंद्र सिंह को हॉकी खेलने की प्रेरणा ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह और ध्यानचंद से मिली। एबीवीपी के छात्रों पर लगी डकैती की धारा के मामले में सीएम मोहन यादव ने लिया संज्ञान, जांच के आदेश। ग्वालियर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए डकैती के केस के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संज्ञान लिया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि युवकों पर डकैती की धारा लगाना न्यायोचित नहीं, क्योंकि युवक आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं है। ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। भोपाल से गुजरने वाली 38 ट्रेन निरस्त, आपके नए साल के टूर प्लान पर पड़ सकता है असर। भोपाल से गुजरने वाली 38 ट्रेन्स को निरस्त कर दिया गया है। इनमें पैसेंजर, सुपरफास्ट जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेन्स शामिल हैं। इसके साथ ही 2 गाड़ियों का रूट परिवर्तन किया गया। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल में रामगंज मंडी भोपाल के मध्य नई ब्रॉडगेज रेल लाइन कार्य के संबंध में संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। चुनाव में हार के बाद पार्टी छोड़ रहे आप नेता। एमपी में विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी छोड़ने का क्रम अब चुनाव हारने के बाद भी जारी है। चुनाव के पहले टिकट न मिलने पर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले अब पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी से आप में आए बंडा विस उम्मीदवार सुधीर यादव और संघ से जुड़े मुकेश जैन ने भी सागर विस से करारी हार के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। भारतीयों को बड़ा तोहफा, बिना वीजा के ईरान घूम सकेंगे भारतीय। मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड के बाद अब ईरान ने भारतीय यात्रियों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान किया। ईरान की वीजा छूट की लिस्ट में रूस, सऊदी अरब, कतर, जापान, संयुक्त अरब अमीरात समेत 32 अन्य देश शामिल हैं। ईरान के टूरिस्ट मिनिस्टर एजातुल्ला जरगहामी का कहना है कि सरकार का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही पश्चिमी चैनल्स पर ईरान के खिलाफ दिखाई जाने वाली ईरानोफोबिया से लड़ना है। नागदा नगर पालिका कचरे से बनाएगी बिजली, 2.79 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नागदा नगर पालिका उज्जैन नगर निगम के सहयोग से अनुपयोगी कचरे से बिजली बनानी जा रही है। इस प्रोजेक्ट में नगर पालिका द्वारा लगभग 2,79,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें कुछ राशि केंद्र सरकार तो कुछ राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। एमएलए के भाई ने टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, कर्मचारियों को पीटा। भिंड में टोल प्लाजा पर दबंगों ने तोड़फोड़ कर दी। टोल कर्मियों ने अटेर विधायक हेमंत कटारे के बड़े भाई योगेश कटारे और उनके साथियों पर तोड़फोड़ करने, कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और टोल को बिना रुकावट संचालित करने के लिए 1,00,000 रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। भारत 2047 तक विकसित देश नहीं बन सकता, बोले रघुराम राजन। पीएम मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा ग्रोथ रेट के साथ भारत के लिए ये लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। राजन ने कहा कि अभी भारत की पर कैपिटा इनकम करीब $2,500 है। मौजूदा ग्रोथ रेट के हिसाब से भारत 2047 तक लोअर मिडिल से मॉडरेट मिडिल इनकम ग्रुप तक ही पहुंच सकता है। सरकार ने वापस लिया फैसला। केंद्र सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया। खाद्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि एथेनॉल के उत्पादन में गन्ने के जूस और बी हैवी गुड़ का इस्तेमाल होता रहेगा। इससे 2023-24 में ग्रीन फ्यूल एथेनॉल के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में छाए रहेंगे बादल, बढ़ सकता है दिन का तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि चक्रवात के असर से हवाओं का रुख कभी दक्षिण पूर्वी तो कभी उत्तर पश्चिम हो रहा है। हवाओं के साथ नमी भी आने लगी, इस वजह से प्रदेश के अधिकतर शहरों में निचले और मध्यम स्तर के बादल छाने लगे। बादलों के कारण अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।